उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। इस साल 28 अक्टूबर को छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। 72 घंटे तक निराधार व्रत करने वाला ये महापर्व छठ पूजा, आज सूर्यास्त के बाद महापर्व का आयोजन किया जाएगा। देश भर में छठ पूजा आज किया जाएगा। हम सिर्फ सूर्योदय को ही नहीं, सूर्यास्त की भी पूजा करते हैं। उगते सूरज के साथ साथ डूबते सूरज यानी सूर्यास्त की भी पूजा करते हैं। ये छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण रिवाज माना जाता है। सिर्फ बिहार में ही नहीं, उत्तर भारत के सभी लोग आज देश भर में, विश्व भर में छठ पूजा को महापर्व की तरह मनाया जा रहा है। छठ पूजा हम लोग यहाँ पर करीब 20 बार वर्षों से करते आ रहे हैं जी। हमारे बिहार और उत्तर भारत के लोग, गांव जाने में बहुत समस्या है, तो यहाँ पर जो गरीब लोग हैं जी, छठ व्रत करने वाले हैं, तो कोई कठिनाई नहीं हो, बिहार वेलफेयर की टीम जो है हर कठिनाई को जो उनको ना हो, इसकी पूरी टीम लगी हुई है हमारे यहाँ पे। लगभग वापी के अगर बात करें तो लगभग कितने उत्तर भारतीय और बिहारी समाज के लोग यहाँ पे कुल है? यहाँ पे 25 लाख लमसम है। 25 लाख वापी दमन सलवा शाह वापी लेके, तो सारे लोग यहीं पे इकट्ठा होंगे? यहाँ भी है और कई जगह भी हो रहे हैं, तो हमारी टीम हर एक जगह व्यवस्था, वापी में जहाँ भी समस्या, छठ व्रतियों की पूजा में कोई समस्या नहीं हो, हमारी पूरी टीम लगे हुए हैं। हमारे संस्था के इनके उपाध्यक्ष हैं, अभी छठ पूजा का अध्यक्ष हमारे जीवन झा जी हैं, जो अभी ऑर्गेनाइज करेंगे प्रोग्राम को, तो इनकी टीम पूरी लगी हुई है। अभी तक हमारे कमलेश भाई जो विधायक के प्रेसिडेंट हैं, वो भी अभी देख के गए। कन्नू भाई हमारे जो गुजरात के मिनिस्टर हैं, वो चीफ गेस्ट के रूप में इस बार हैं। तमाम हमारे जो वीआईपी लोग भी, वो भी आते हैं। यहाँ पर करीब 1 लाख से पब्लिक इकट्ठा दमन गाने देते होते हैं जी। आपका नाम बता दीजिए। विपुल सिंह, बिहार वेलफेयर एसोसिएशन प्रेसिडेंट जी। आपको कुछ कहना है छठ पूजा के बारे में? और बस यही प्रार्थना करना है सूर्य देव से। लोग पश्चिमी देशों में डूबते हुए सूरज का आराधना नहीं करते हैं, लेकिन हमारी आस्था देखिए कि हम लोग जो है डूबते हुए सूरज को भी पूजा करके फिर इस छठ पूजा का व्रत आरंभ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अग्रिम शुभकामना देना चाहता हूँ गुजरात, यूपी, बिहार से आए हुए तमाम लोगों को भी, कि छठी मैया की कृपा बनी रहे, सुचारू रूप से पर्व संपन्न हो जाए। बहुत ही कठिन व्रत होती है, जो माताएं बहनें रखती हैं उनको लगभग 72 आवर्स निराधार वो रहती हैं जी। और यही एक ऐसा पर्व है जो टोटल नेचुरल है। इसमें गुजरात के बारे में क्या सोच रखते हो? गुजरात में इतने सारे पर्व प्रांत, उत्तर भारत के लोग यहाँ पे आकर बस गए हैं जी। अपने भी परिवार के गुजरात ये हमारा कर्म भूमि है। भारत देश का सबसे प्रशस्त एवं प्रमुख शहरों में स्टेट में इनकी गिनती होती है। यहाँ के लोग बहुत ही कर्मठ हैं, सुयोग्य हैं। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी का भी भरपूर हमें सहयोग मिलता रहेगा आगे भी, उनके प्रति भी हम अपना आभार प्रकट करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं। हमारे विपुल सिंह साहब जो शेरे बिहार के नाम से भी जाने जाते हैं, वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, और एनके सिंह साहब जो हर, मैंने तो बिहार क्या, यूपी क्या, और कहाँ भी इनका सहयोग मिलता है। कोई भी छोटी सी भी समस्या हो, चाहे मेडिकल का हो या शादी ब्याह का मसला हो या स्टूडेंट की पढ़ाई लिखाई, तो ये लोग अग्रसर होकर के लग जाते हैं और समाज को जितना भी बन पड़ता है सहयोग करते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच जी। धन्यवाद जी। आप कुछ कहना चाहोगे छठ पूजा के बारे में? क्योंकि मैंने सुना है कि बिहार एक ऐसा राज्य रहा है और आज भी है जहाँ पे विद्या को सबसे सर्वोपरि माना गया है। क्योंकि अगर बोधगया की बात करें या फिर हम लोग पाटलिपुत्र जो अभी पटना कहलाता है उसकी बात करें, तो हमारे देश में सबसे सर्वाधिक जो विद्या, जो ज्ञान है, वो भंडार माना गया है बिहार को। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? बिहार माँ सरस्वती का देन है जी, जो बिहारियों को के ऊपर ज़्यादा मेहरबान है जी। आज पूरा इंडिया में ले लीजिए IAS IPS बिल्कुल आपको बिहार के मिलेंगे। बिल्कुल, ये माता की कृपा है जी। और इसी माध्यम से हम लोगों ने ये छठ पूजा का आयोजन यहाँ पर हर साल आज 20-25 साल से कंटिन्यू मन कर रहे हैं जी। बिहार वेलफेयर के माध्यम से हम लोगों ने शुरू किया था और आज ये पर्व विस्तार रूप से पूरा इंडिया के लोग मनाते हैं। ये पर्व बिहार से शुरू हुआ और आज देश विदेश में भी छठ पूजा का आयोजन होता है जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? वो भी छठ पूजा को बहुत मानते हैं। प्रधानमंत्री जी, उनको पर्व से, छठ पूजा के पर्व में इतना आस्था है, उन्होंने देखा कि डूबते हुए सूरज को कोई अर्घ नहीं दिया, और एक यही त्यौहार है छठ पूजा जो उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं और माता से प्रार्थना करते हैं
कि पूरा देश में शांति बनाए रखे और इसी माध्यम से हम लोग अग्रसर होते रहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नई आशा, नए सपने, सबको आपको हासिल नूतन वर्षा अभिनंदन।